सो गाइस, आप सभी को पता है कि मैं अभी वर्क परमिट पे हूँ। सो आज हमने शिफ्ट स्टार्ट करनी है। सो कैसा रहता है हमारा दिन? सो बेसिकली उसी के रिलेटेड वीडियो है। दैट्स एवरीथिंग, थैंक यू। हम भाई सुबह उठे हैं 5 बजे, घर पहुँचेंगे 8-9 बजे, फिर दोबारा सो जाएंगे। बोला ना, मैंने वॉलमार्ट से बाय करा था, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। लाइक आपको लगेगा कि हाँ भाई, इसका बेनिफिट है। अपने रूम में इसको जरूर ट्राई करना। सो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं बेसमेंट में रहता हूँ। सो ये हमारी सेपरेट एंट्रेंस है, वो डोर ओपन करना है। एंड ये है भाई हमारा वॉशरूम। 32 पे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 26 आई गेस ठीक है। ओके, सो नीचे जाते हैं दोबारा बेसमेंट में। तो अभी हम सोने लगे हैं, देखो कैसा व्यू लग रहा है। ओ वैसा अलग ही है। तो हाँ गाइस, सो अभी मैं सोने लगा हूँ, रात के 10 बज चुके हैं। सो हम सुबह का अलार्म लगाएंगे 5:20 का। 6 बजे तक रेडी होऊंगा, 15-20 मिनट की ड्राइव है, 6 से लेकर 4 बजे तक जॉब है, तो क्योंकि करनी पड़ती है भाई। एंड बाकी रात को सोने से पहले मैं पता क्या करता हूँ, मैं आपको बताऊँगा। अगर आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करना ना, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। कई बार ना हम ज़्यादा सोचते रहते हैं फ्यूचर के बारे में, ये नहीं है वो नहीं है। रात को सोने से पहले ना आपके पास जो चीज़ें हैं, एक बार उसको सोच कर उसको ना, यू नो कहते हैं ना कि बी ग्रेटफुल फॉर वट यू हैव। जब आप ऐसा सोचते हो ना, आपके पास बहुत कुछ आएगा। पता नहीं, ये मत सोचा करो उसके पास ये है मेरे पास नहीं है। जो आपके पास है हो सकता है वो किसी का सपना हो, तो आपकी लाइफ और भी ज़्यादा सही रहेगी अगर आपका माइंडसेट सही है, थोड़ा पॉजिटिव हो। रात को सोने से पहले एंड सुबह जब उठते हो तब इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है ताकि आपका अच्छा दिन जाए। सो इट्स बीन अ ग्रेट डे सो फार। अभी रात हो गई है, सोने लगे हैं भाई हम। तो घर में कोई भी नहीं है, 5 कमरे हैं ऊपर, है ना, नीचे बेसमेंट में मैं हूँ, सुन है भाई पूरा। तो मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ और करने का, मैंने सोचा कि भाई सो ही लेते हैं। पता नहीं कैमरा उस तरफ क्यों जा रहा है ना, ऑटोमेटिकली जा रहा है भाई। चलो ठीक है, अब सोने का टाइम आ चुका है। गुड नाइट गाइस, तो सुबह मिलते हैं। सुबह हो चुकी है, अब रेडी हो रहे हैं भाई शिफ्ट के लिए। तो मैं अपने पास पानी की बॉटल रखता हूँ, मुझे रात को प्यास बहुत लगती है। आई डोंट नो समटाइम्स, सो मैंने अपने पास हमेशा ये पानी की बॉटल रखता हूँ। एंड फिर वही बात, सुबह उठने से और बस मैं यही खूब करता हूँ कि जो दिन है वो अच्छा रहेगा। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। एंड चलो अभी चलते हैं। शिफ्ट के लिए रेडी होते हैं। ये भाई मेरा इतना बड़ा ये पिल्लो ही है पूरा। सो ये जो मैट्रेस है ना, ये मैंने स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, ये भी ज़्यादा सही रहता है, काइंड ऑफ एक बेड सही बन जाता है। सो ये चार्जर, अभी चलते हैं। एक मिनट मैं इसको नीचे रख लूँ। एंड इसकी मैं रेटिंग दूंगा 8/10। एंड आई गेस ये मैंने बाय करा था $170 का, $170 का था ये। सो मुझे तो काफ़ी सही लगा, बाकी मैं और ट्राई करके बताऊंगा। अभी ना मैं रेडी हो चुका हूँ, बट फिलहाल भी मुझे नींद आ रही है, 7-8 घंटे सोकर भी। आई डोंट नो व्हाई, आज मैं घर आऊँगा तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं और भी जल्दी सो जाऊँ, क्योंकि जब आपको नींद आती है तो आपसे काम भी अच्छा नहीं हो पाता। तो अभी 6:30 होने वाले हैं, मैं लेट भी हो चुका हूँ, सो अभी ड्राइव भी करना है, तो फिर मिलते हैं।
मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ 10-15 मिनट, बट कोई बात नहीं, जो शिफ्ट लगा रहा है वो अपना ही भाई है, तो उसको मैंने बोल दिया है, सो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। सो बस अभी मैं 6:30 बजे शिफ्ट स्टार्ट कर दूंगा, 4 बजे ख़त्म होगी। 4 बजे के बाद मैं घर तो पहुंच सकता हूं, बट मेरे पास चॉइस है कि मैं एक शिफ्ट और लगा लूँ। मैंने एक मेरे पास एक ऐप है, यहाँ पे मैं शिफ्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ सिक्योरिटी की, तो वह छोटी सी शिफ्ट होगी, अगर मेरा मूड हुआ 4 बजे के बाद मैं लगा लूँगा, अगर नहीं तो मैं सीधा घर आ जाऊँगा। अदरवाइज़ ये आज की 10 घंटे की शिफ्ट तो है ही, तो बस यही बात है। एंड चलो अभी सुबह स्टार्ट हुई है, टिम हॉर्टन्स जाता हूँ मैं, कॉफ़ी वहाँ से लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों यार क्या हुआ है कि जब भी यहाँ पर मैं कॉफ़ी बनने लगता हूँ ना, मुझे बहुत बोरिंग लगता है, 20-25 मिनट लग जाते हैं पता नहीं क्यों, प्रिपेयर करने में, फिर उनको सारा पूरा क्लीन करना। तो मैं क्या करता हूँ, $2 की कॉफ़ी आती है टिम हॉर्टन्स से, वहीं से बाय कर लेता हूँ डेली। अभी आदत पड़ गई है, घर पर बनाने का मन ही नहीं करता, ना ही टी वगैरह बनाने का मन करना, ना ही चाय, ना ही कॉफ़ी, रीज़न मुझे भी नहीं पता, लेज़ी कह लो, ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसको अवॉइड कर सकूँ, बट अभी हो नहीं रहा, अभी आदत पड़ गई है ना। तो चलो कोई बात नहीं, हम अभी लेट हो रहे हैं, राइट नाउ पूरा ना सुन रहता है ये एरिया, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपको मैं पूरा दिखाऊंगा, ट्राई करूंगा कैप्चर करने का, एंड आप देखना, व्यू काफ़ी सही रहता है, इनके बिना मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मेरी आई साइट थोड़ी सी वीक है। सो अभी हम चलते हैं गाइस। ऐसा लगता है कि भाई पूरी दुनिया के लोग सो रहे हैं, आप अकेली हो जो बाहर जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, एंड ऊपर से इतनी सुबह ना बहुत कम लोग आपको दिखेंगे, इस साइड तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। यहाँ पे पता क्या करते हैं कई बार कुछ लोग, ड्राइविंग की स्पीडिंग लिमिट होती है ना हर एक रोड की, स्पीड लिमिट को क्रॉस कर देते हैं ये सोचकर कि पुलिस वाला यहाँ पे नहीं होगा, बट कभी नहीं पता भाई कहीं पे हो सकते हैं, टिकट बहुत आपको महंगी पड़ सकती है, डीमेरिट पॉइंट्स मिल सकते हैं, सो कभी भी स्पीडिंग मत करो। रास्ते में ना टिम हॉर्टन्स है तो हम वहाँ पर रुकते हैं, एंड मैंने स्टीप टी बाय करनी है अपने लिए एंड अपने फ्रेंड के लिए, सो ड्राइव थ्रू की साइड जाता हूँ मैं हमेशा, इजी रहता है। Hi, can I get two medium steep tea, triple triple? Two medium steep tea, triple triple. And can you add a chai tea bag in exactly? Okay, so same. Two medium steep teas, triple triple with a chai tea bag in it. Yeah. Anything else? That's everything. Thank no you. No worries, you can drive out. Yeah, thanks. So, भाई सुबह हमने डिसाइड करा था कि 4 बजे के बाद डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट शिफ्ट के लिए रेडी होना है नहीं। मैंने अपनी ऐप ओपन करी, कंपनी वालों को कॉल लगाई, एंड दे सेड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम टुडे। तो मैंने सुना श्योर, आई डोंट माइंड। तो अभी 4 बजे हैं, सो मेरे को सिर्फ शर्ट चेंज करनी है, दैट्स इट, तो फिर मैंने अगले शिफ्ट के लिए रेडी हो जाना है। सो यहाँ पे ये नहीं है कि मुझे यहाँ पे ना कई लोग सोचते होंगे कि इतना काम करने की क्या आपको ज़रूरत है या फिर कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता। जब एक बार आपको आदत पड़ जाती है ज़्यादा अर्न करने की, तो एक टाइम था कि मैं 5 दिन काम करता था, उस टाइम मेरा जो मिनिमम पर आवर जो मुझे वेज मिलती थी वो बहुत कम थी, तो $2,200 बनते थे, वो भी कोई ऐसा नहीं है गलत है उसमें, बट जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं आपको ज़्यादा काम करना अच्छा लगता है, एंड आपको यू फील हैप्पी, ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेस में काम कर रहे हो, कभी ऐसा नहीं। जब मेरा मूड नहीं होता तो ऐसा ना, ऐसा भी होता है कि मैं पूरा हफ्ता ही ऑफ ले लेता हूँ, इट डिपेंड्स राइट। तो अभी मुझे ठीक था कि भाई अभी एनर्जी है, 10 घंटे की अभी शिफ्ट लगाई है मैंने, तो मुझे लगा नो आई कैन स्टिल वर्क फॉर 5 to 6 hours, आई डोंट माइंड, तो फिर बस जाऊंगा वहाँ पे। बट रास्ते में ना मैं मिस्टर सब यहाँ पे ट्राई करूँगा, आपने सब्बे खाया होगा इंडिया में, यहाँ पे मिस्टर सब है, वो इतना मुझे नहीं पता इंडिया में है या नहीं, बट मुझे मिस्टर सब ज़्यादा अच्छा लगता है सब्बे से, ट्राई जरूर करना। अरे उनकी एक ब्राउनी आती है, मैं आपको शो भी करूँगा, तो वो ब्राउनी भी काफ़ी टेस्टी होती है। तो बीच में जब मैं ऐसे काम करता हूँ तो मैं एक थोड़ी बहुत मील खा लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा एनर्जी हो, एंड पर्सन का मन भी करे काम करने का। सो मैं 5 बजे उठा था, थोड़ी बहुत नींद तो आ रही है, राइट नाउ इट्स 4:00, 4:30 पे शिफ्ट स्टार्ट है, 15 मिनट की ड्राइव है, जाते हैं वहाँ पे, अभी शुरू करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, कई बार हम इसको हार्ड वर्क कहते हैं, बट स्मार्ट वर्क इसलिए है कि आपको उतना हार्ड नहीं होता, एंड आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो, यू कैन मेक मोर मनी। एंड जब आप कैनेडा स्टार्टिंग में आते हो
सभी चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट करते हो, है ना। अगर आगे आपको घर लेना है, आपके गोल्स ज़्यादा बढ़े हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, या फिर मल्टीपल इनकम सोर्सेस, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पैसा जल्द से आपके पास आएगा, फिर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो। इट्स ऑल अबाउट यू नो कि आपके क्या ड्रीम्स हैं, क्या आपने सोचा है अपनी लाइफ के लिए। इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेविंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेविंग में पड़े रहें। तो अभी हम जाते हैं एंड फिर शिफ्ट स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, चलते हैं। एंड यू नो कार आपको बहुत सपोर्ट करती है, आपके पास एक अच्छी रिलायबल कार होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्पोर्ट्स कार मत बाय करो, इट डिपेंड्स कि आपकी क्या चॉइस है, बट मेरे पास रिलायबल कार है 2022, ये ब्रांड न्यू होंडा सिविक है, आप देख लेना गूगल पे, काफ़ी इसकी अच्छी रेटिंग है, बहुत ही पॉपुलर कार है। एंड मुझे ये $40,000 की पड़ी थी, सब कुछ इंक्लूडेड करके, है ना, फाइनेंस वगैरह करके। तो मुझे इसके इंटीरियर के, इंटीरियर बहुत अच्छा है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं। अगर किसी को पिक करने एयरपोर्ट से, उससे उनको भी पिक कर सकते हैं, कहीं घूमने जाना है फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पे भी सही है। सो बेस्ट कार ये कंसिडर करी जाती है कि कौन सी कार ज़्यादा रिलायबल है, तो होंडा सिविक बेस्ट कंसिडर करी जाती है। टोयोटा की भी अच्छी है, बट मुझे होंडा सिविक 2022 मैंने ब्रांड न्यू बाई करी थी, एंड भाई फर्स्ट कार थी मेरी, एंड आई लव माई कार, क्योंकि बहुत स्पोर्ट होती है। अगर मैं बस पे जाता तो शायद मैं 4 बजे के बाद 4:30 शिफ्ट नहीं स्टार्ट कर पाता, राइट। बट इस कार की वजह से आई कैन मेक मोर मनी। सो आई एम गोइंग टू ग्रैब वन वेज एंड चीज सब, बिकॉज़ आई नीड इट, आई रियली नीड इट। हाय ब्रो। हाय ब्रो। हाउ आर यू डूइंग? Bro, one veggie cheese, large, okay. One brownie, that's everything. No. So, ये हमारा मिस्टर सब आ चुके हैं ब्राउनी के साथ. So now I just need. सो भाई देखो, हम सुबह 5 बजे उठे थे, अंधेरा था। अभी कितने बजे फ्री हुआ हूँ मैं? रात के 8 बजे, अभी भी अंधेरा है। सो बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ कि सुबह का दिन कैसा होता है, क्योंकि अंदर ही होते हैं स्टोर के। चलो बाहर से तो देख सकते हैं, बट लाइक बाहर इधर उधर इतना अलाउड नहीं होता जाना। तो अभी 8 बजे हैं, मैंने टिफ़िन पिक करना है, तो फिर उसके बाद मैंने 8:30 में घर पहुँचूँगा, घर पर बात करूँगा, ऑलमोस्ट 1/2 घंटा, 9 बज जाएंगे, खाना खाऊंगा, खाना पैक करूंगा, थोड़ा बहुत फ़ोन भी यूज़ करना है ना, तो 10 बज जाएंगे, एंड नींद आते आते को 10:30 हो जाएंगे। तो देन फिर हम भाई दोबारा फिर उठेंगे 5 बजे। सो आज का दिन बस ऐसे ही चला गया। सो मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा मन है दूसरी शिफ्ट लगाने का या नहीं। आई सेड येस टू माई बॉस, बिकॉज आप घर बैठ कर भी क्या करोगे, लाइफ में बिजी रहो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। जब मैं नया आया था तब मैं लाइक इतना यू नो एनर्जेटिक नहीं होता था। अभी भी अगर मेरे को वो कहें कैन यू वर्क फॉर 2 आवर्स मोर, आई डोंट माइंड, क्योंकि मेरी इतनी कैपेसिटी है भाई। आपको एक जगह पे ना ऐसा अलाउड कभी नहीं करेंगे इतना काम करना। आप अलग अलग जगह पे जा सकते हो, है ना, किसी और कंपनी के साथ, बट एक कंपनी वाले आपको 12 घंटे भी हद होती है, उसके अलावा उससे ज़्यादा वो आपको स्टे नहीं करवाएंगे। 10 घंटे मैं उधर गया, अब यहाँ पर आया, अभी मैं घर जा रहा हूँ। सो पहले मैं ऐसे बस पे जाता था, टू बी ऑनेस्ट गाइस, मैं 2-3 किलोमीटर की भी वॉक करता था, जब दिन में 4-5 किलोमीटर ऐसे ही वॉक कर लेता था, है ना। मैंने अपने फ़ोन में, आईफोन में वो स्टेप्स होते हैं ना, मेरे स्टेप्स काउंट भी बहुत ज़्यादा होते थे। सो अभी अंधेरा हो चुका है, एंड राइट नाउ अभी मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक थक चुका हूँ। आई डोंट माइंड वर्किंग फॉर मोर आवर्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मैं किसी स्ट्रेस में नहीं आकर कर रहा हूँ, इट्स जस्ट डूइंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई फ्यूचर। बिकॉज जब आपकी एक्सपेक्टेशंस, टारगेट्स बड़े होते हैं, आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ता है बाकियों से। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स करके ही आप काम कर सकते हो, ज़्यादा अर्न कर सकते हो। मेरा पे रेट भी मिनिमम नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छा है, डिपेंड करता है आपकी स्किल्स, आपकी पोजिशन एंड आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर। सो गाइज अभी हम टिफिन पिक करने के लिए पहुंच चुके हैं। सो ये लोग इंडिया से हैं जो टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो मैं इनके घर जाऊंगा एंड टिफ़िन, बस मैंने बेल रिंग करनी है एंड सो अभी चलते हैं, क्योंकि खाना भी खाना है भाई। कार को कर देते हैं लॉक
और फिर चलते हैं। चलो भाई हमें मिल गया टिफिन, अपने डब्बे मिल चुके हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं, कार को स्टार्ट करते हैं। राइट सो लेट्स गो। सो भाई वाइब हमारी मिल गई है घर आकर, ठीक है, सोते हैं, रेस्ट करते हैं, वीडियो को एडिट करते हैं, थोड़ा बहुत रीडिंग मैं कभी छोड़ता नहीं, चाहे एक दो पेजेस पढ़ने पड़े मुझे। अगर आप ज़्यादा काम करना चाहते हो ना, ज़्यादा अर्न करना चाहते हो, उसमें सिर्फ एक ही स्किल काम आएगी, वो है टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो। अगर आप 4-5 घंटे सोते हो तो कैसे मेक श्योर करोगे कि वो अफेक्ट ना करे। मुझे कई बार करती है, कई बार नहीं, थोड़े टाइम के लिए करती है, देन यूज टू हो जाते हैं। एंड एक और आपको ये देखना है कि आपके प्लान्स क्या है। छोटे छोटे प्लान्स आपको बड़े बड़े प्लान्स तक लेकर जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा वो फील्ड जॉब, भाई बात फील्ड जॉब की नहीं है, मेरा इंटरेस्ट भी किसी और फील्ड में है, उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उसी के लिए कर रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग, फील्ड जॉब वाले अगर $20-25 भी अर्न करते हैं ना, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है वो। इतने अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो ना, उनसे ज़्यादा भी आप अर्न कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट एंड स्मार्ट वर्क, मैंने पहले भी बताया। सो मैं इतना शो नहीं कर पाया कि आज मैंने दिन में क्या करा, एंड मुझे पता भी नहीं है कि वीडियो कैसी बनी है। नेक्स्ट टाइम मैं मेक श्योर करूँगा कुछ चेंजेस लेकर आऊँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई भी क्वेश्चन है गाइस आपका जरूर पूछना। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।